Good morning guys, welcome back to the vlog. Today is 6th of January 2021 and aaj shuru karte hain apna din phir se dobara hamare saath bane rahiye. आप जब किसी को मिस करते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप उससे एक छोटी सी चीज ले लेते हैं कि एक मोमेंटो टाइप की. वैसे ही हमने क्या किया कि हमने ना जो घर में गाजर का हलवा बनाया था ना, आप देख ही सकते हैं. रुकिए मैं दिखाता हूँ. हमने ना ये जो बर्तन है ये एज इट इज रख दिया है, तो हम जब दूर से आके यहाँ पे देखते हैं टेबल पे तो ऐसा लगता है कुछ पतीला रखा हुआ है और उसमें कुछ ना कुछ गाजर का हलवा होगा, बट द रियलिटी इज ये खाली है. तो क्या है कि ये गाजर का हलवा जो नहीं है फिर भी हम देख रहे हैं कि है. ये एक तरीके का इफेक्ट है, इसको कहा जाता है प्लासिबो इफेक्ट. अब प्लासिबो इफेक्ट मैं कैसे समझाऊं आपको, अगर समझाना हुआ प्लासिबो इफेक्ट तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाएं क्योंकि आपको बीमारी है करके. मान लो आपको वायरल कुछ फीवर है, ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दे दिया आपको डाइजिन, पेट की दवाई. आपको कोई लेना देना ही नहीं है उस बीमारी से, बट आप डाइजिन खा के आपको लगे हाँ अब तो मैं ठीक लग रहा हूं. इस चीज को कहते हैं प्लासिबो इफेक्ट, मतलब कि कोई डॉक्टर आपको दवाई दे दे और आपको फील गुड फैक्टर आ जाए विदाउट एक्चुअली डीलिंग विद द रीजन. सो यही चीज हम अपने गाजर के हलवे के साथ कर रहे हैं. अच्छा मैडम, वो गाजर के हलवे वाला वीडियो ना बड़ा हिट चला गया, अब लग रहा है दोबारा है हमें बनाना पड़ेगा. बना ले? हाँ. ऐसा मत बोलो यार, तुम तो मेरे को वो कर दोगे एकदम. गुड मॉर्निंग गाइज, तो आज है 7th of January और जिस चीज का मुझे वेट था जो कि है स्नोफॉल, यहाँ पे हल्का हल्का सा होने लगा है. अगर आपको थल दिखे पिक्चर में, बिकॉज इट्स वेरी मिनिमल, मतलब कि अभी वो सिर्फ बारिश हो रही है और मे बी वो नीचे जाके मतलब अभी वो दिख रहा है कि हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा है, पर शायद नीचे जाके वो ड्रॉपलेट्स ही हो रहे हैं. तो आज के भी वेदर में लिखा है कि यहाँ पर स्नोफॉल होगा, शाम को तो ज्यादा होगा, तो लेट्स सी कि होता है कि नहीं. शैतानों की पोटली निकल चुकी है वहां पे. हम लोग जब पहले एक साथ रहते थे जर्मनी में म्यूनिक में, तो म्यूनिक में बहुत दिक्कत होती थी एक्चुअली कि वहाँ पे डिशवॉशर नहीं था, तो दो लोग होते थे तो दो लोगों का बर्तन तो धुल जाता है, बट जब बात आती है थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोगों की, दो लोगों से ज़्यादा चार लोग हो जाते हैं मैक्सिमम या छह लोग हो जाते हैं, तो फिर तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है क्योंकि बर्तन इकट्ठे होते रहते हैं और फिर इकट्ठा हो जाता है ना तो फिर किसी का मन ही नहीं करता. मतलब कम बर्तन है तो वो धुल जाते हैं, अगर ज़्यादा बर्तन हो जाए तो फिर तो एकदम ही लग जाती है. ये वाला जब जैकेट पहनता हो ना, बस इतना इतना पोर्शन से ऊपर से देखता हूँ तो वो लगता है मेरे को टाइगर किंग. देखा था ना टाइगर किंग, लायन किंग होता है ऐसे. नहीं नहीं, अब मेरे को वो मलेट बनाना पड़ेगा यहाँ पे पीछे मलेट, तो फिर मैं टाइगर किंग बन जाऊंगा पूरा. आप यूजुअली जब कोई चीज खरीदते हैं आप एज एन इंडियन, तो आप सोचते हैं कि दो बार की ये कहाँ से बना हुआ है कहाँ से, और आजकल खास करके जब चाइना की बात आती है तो हम सोचते हैं कि चाइना का माल है तो बेकार ही होगा, सस्ता ही होगा. तो ठीक है, वो तो बात सही है, पर अब चाइनीज को भी ये बात पता लगने लगी है कि अगर हम जो है हम कोई खरीदने जाएगा ये उनका डबल स्टैंडर्ड का माल होता है, उनको भी ये चीज पता है. तो उन्होंने क्या करना शुरू किया है कि टैग्स में जो मेड इन चाइना, ब्रिटिश डिजाइन, स्पिरिट ऑफ जापान. पहन के जा रहे हो अभी? हाँ, रोक देगा क्योंकि ठंड रोक देता है. -1 -2 में भी रोका है. आज स्नोफॉल हुआ है लेकिन थोड़ा तो ठंडा होगा. नहीं थोड़ा भी नहीं. हाँ ठंडा होगा, बट अभी ठंडा नहीं होगा क्योंकि बर्फ जब गलेगी ना तब ठंडा होगा, अभी तो नॉर्मली है. बर्फ पड़ी भी है, उसको पहन के चलो. बर्फ पड़ी भी है, कितनी बर्फ पड़ी है. नहीं मुझे पहले पता होता कि तुम्हारे पास मफलर नया पड़ा है तो मैं पार कर लेती कब का. ऐसा नहीं हो सकता हर समय. ये वैसा है क्या जैसे अवार्ड फंक्शन में वो मिलता है? नहीं वो तो पद्म विभूषण. हाँ हमारी यही है पद्म विभूषण. पद्म भूषण, पद्म विभूषण. हाँ विभूषण भी होता है, है? मेरे को लगा पद्म भूषण ही होता है. पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भूषण, भूषण से रिलेटेड ना. इवनिंग फ्रेंड्स, हम अभी जा रहे हैं सुपरमार्केट, शाम हो गई है
और कुछ सामान जो था हमें रह गया था लेने के लिए, हम सोच रहे हैं आज कुछ मैक्सिकन बनाने का, तो उससे रिलेटेड कुछ सामान था जो हमें लेना था, बस वो लेने जा रहे हैं हम। चीज़ केक्स नया है ना, और इसमें कुछ वो भी है, रबाट भी है, मतलब सस्ता भी है। 30% क्योंकि खराब होने वाला होगा ना। ओरियो का भी है। इसमें वैसे कैसे छेद किए हैं? छेद किए हैं, पता नहीं क्यों शायद। बाउ एंड ब्रॉड श्वार्ट्ज वाल्डर आर्ट। पर ये मैं लेती हूँ, बहुत दिन से बैंगन नहीं खाया। और कितना लूँ, एक लूँ दो लूँ? दो ले लो। एक का बनेगा बैंगन का भट्टा और एक बनेगा बेगुनी या बेगुन भाजा। अब ऑल्डी से तो शॉपिंग हो गई है लेकिन वहाँ एक दो चीज़ नहीं मिली, तो हम अब जा रहे हैं रेवे। जो रेवे है वो हमारे घर के एकदम बगल में है, तो उससे तो गाड़ी से नहीं जा सकते हैं। उसमें सिर्फ 11 नंबर वाली गाड़ी जाएगी। उसमें सिर्फ 11 नंबर वाली गाड़ी जाती है। जो यूज करते हैं उनको पता चलेगा कि वो 11 नंबर वाली गाड़ी कौन सी है। हमने बहुत चला 11 नंबर वाली गाड़ी बहुत यूज करी है ना जर्मनी में। अरे बहुत करनी पड़ती है आपको यूरोप में। तो मतलब एकदम खर्चा नहीं है 11 नंबर वाली गाड़ी में, और फायदे ही फायदे। हाँ जी, नाचो सलाड बनने जा रहा है। नाचो सलाड बनने के लिए आपको चाहिए एक पैकेट चेडार, एक पैकेट मोजरेला, दो टमाटर, एक सूखी ककड़ी, ककड़ी नहीं खीरा, ये है स्वीट कॉर्न, प्याज, डोरीटो नहीं टॉर्टिला चिप्स या जो भी है, सावर क्रीम, ये क्या है, हाँ इसको बोलते हैं पिंटो बीन्स। अब ये तो मुझे नहीं पता, यहाँ पे लिखा है रीफ्राइड बीन्स, बट बेसिकली ये राजमा नहीं है, ये देख रहे हैं आप। हाँ ये लोबिया भी नहीं है, ये कुछ और है, मैक्सिकन बीन्स होता है ये। तो ये बीन्स, इसका पेस्ट बनता है, ये पेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, बट आपको अगर रेसिपी चाहिए तो मैं रेसिपी दे दूँगा बाद में स्क्रीन पे। एंड देन ये है लेट्यूस तो नहीं है, ये कुछ और ही है, पर हम लेट्यूस के मिलता जुलता लेके, आइस बर्गर सलाद। तो एनीवेज ये चाहिए हमें नाचो सारे जी फाड़ के वाला डांस के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो मर्जी करना है कीजिए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं सोने एंड कल मिलते हैं।